खबर जनपद बिजनौर तहसील चांदपुर थाना शिवाला कला विकासखंड नूरपुर के ग्राम पंचायत सीमला से है, जहां बीडीसी पद हेतु उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है। ग्राम पंचायत सीमला में सदस्य क्षेत्र पंचायत पद हेतु उम्मीदवार श्रीमती नीलम देवी के पति हुकुम सिंह गहलोत ने बताया कि अगर उनकी पत्नी नीलम देवी को विजयी प्राप्त होती है और वह बीडीसी पद के लिए चुनी जाती हैं तो उच्च शिक्षा एवं समर्थकों का ही विकास नहीं अपितु सभी का विकास एवं सभी को योजनाओं का लाभ देंगे। आइए दिखाते हैं रिपोर्टर ओमकार सिंह हर्षयाना की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आज हम आ पहुंचे हैं यूपी के जनपद बिजनौर तहसील चांदपुर विकासखंड नूरपुर ग्राम पंचायत सीमला। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है जो कैंडिडेट है ये उनका घर है। यहाँ जो थोड़े ही कैंडिडेट हैं उनके समर्थक यहाँ उपस्थित हैं और जो कैंडिडेट हैं वे भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनकी एक प्रतिक्रिया, एक जो विकास की राय जानना चाहूँगा पब्लिक की प्रति कि विजेता होने के बाद वे क्या विकास करेंगे और जो क्या उनकी योजना है आगे भविष्य में। जी नमस्कार, नाम बताएं। मेरा नाम हुकुम सिंह गहलोत। जी क्या विकास करेंगे आप गाँव के लिए? सर्वोत्तम अच्छी शिक्षा, सड़क और जल की व्यवस्था। जी आप कौन से पद से उम्मीदवार हैं? मैं बीडीसी, मेरी वाइफ बीडीसी पद की उम्मीदवार है। जी नीलम देवी। अच्छा, और क्या जो योजना आती है गांव, हमने सुना है कि गांव में जो योजना आती है वो पब्लिक तक कम पहुंच पाती है, जो उनके कैंडिडेट होते हैं जो समर्थक होते हैं उन्हीं तक रहती है, तो आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है? जी हमारी प्रतिक्रिया ये है इसमें कि जो भी शासन से ऐसी ऐड आती है उसको आपको पूरा लाभ मिले उसका। सभी को मिले या आपके कैंडिडेट को मिले? पूरे हमारी क्षेत्र पंचायत को पूरा लाभ मिले उसका। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने हुकुम सिंह जी का जो आपने विचारधारा सुनी है, अगर सभी की इसी प्रकार की विचारधारा है तो तभी विकास संभव है। आगे अच्छी न्यूज देखने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज 24। ओमकार सिंह हर्षयाना की रिपोर्ट, बिजनौर से।